ना आईडी है ना विजिटिंग लेटर है, फिर भी मैं उनको क्यों ऐसे ही अरे गहरे के लिए फ़ोन करूं, उसको डिस्टर्ब करूं? सही है ना? बस ये कंफर्म है कि यही घर है उनका, यहीं रहते हैं, कंफर्म है। लेकिन बिना आईडी के, बिना विजिटिंग लेटर के हम कुछ नहीं बता सकते। लेरी भैया आप आईडी दिखा दो बस खाली। नहीं आप तो उनसे बात कर, अगर आईडी आपके पास है तो आप मेरे से बात करो, नहीं तो आप चले जाओ, बस इतना ही। क्योंकि संडे है, माथा खराब मेरा भी रहता है। घर में 10 तरह के काम रहते हैं। नंबर आपके पास नहीं है? कैसे बैंक वाले हो आप कि आपके पास नंबर ही नहीं है? कंफर्म कर ले। अब नंबर यही है ना इनके नंबर? बताओ कौन सा नंबर है? 95300। ये नंबर तो मुझे नहीं पता, ये नंबर मुझे नहीं पता। आपके पास इंडसइंड बैंक का क्या है उनके पास? वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का है? इशू कितना है, क्या है? आपके आप मेरे घर तक आए हो तो आपके पास आईडी तो होगी। आप ऐसे ही कोई आके बोल देगा कि बैंक से हूँ तो कैसे बता दूँ? मैं वो तो सामने वाला खुद ही बता देगा ना, मैं चीजें मिलाऊंगा करूंगा तो सामने वाला खुद ही बता देगा। तो सामने वाला घर पे नहीं है अभी, हम कुछ नहीं बोल सकते। एक बार आप नॉर्मली पूछिए एक बार आप उनसे कि मैं सही जगह पे आया हूँ या गलत जगह आया हूँ, एक बार आप बात तो कर लीजिए। नहीं आप जो नाम बता रहे हैं उनका घर यही है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गलत जगह पे आए हो। उनसे पूछ लीजिएगा एक बार, में आप उनको कॉल कर लीजिए। तो मैं कॉल कर लूंगी, अभी ये घर पे है नहीं तो मैं बाहर अभी डिस्टर्ब कैसे करूं मैं उनको, अभी तुरंत कुछ टाइम पहले निकले हैं तो आप बात हो सके गाड़ी चला रहे हो कुछ कर रहे हो, वो खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे मुझसे। अगर नंबर गलत तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो उसी नंबर पे ट्राई करो ना आप, हो सके मुझे नहीं पता हो उस नंबर को। ऐसा तो है नहीं कि भाई फैमिली को हर नंबर पता होना ही चाहिए। आप आए हो बैंक से तो आईडी होनी चाहिए आपके पास, विजिटिंग लेटर होनी चाहिए, घर तक आए हो तो कुछ तो होनी चाहिए आपके पास। आप ऐसे ही थोड़ी आ जाओगे, ऐसे तो कोई भी आ जाएंगे बोलेंगे कि हाँ भाई बैंक वाले हैं हम, ये हैं। वो भी संडे को। हेलो, हेलो।